हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल नेहा की प्रिंसेस में आपका स्वागत है। और मैं अभी जा रही थी किचन में, अभी कुछ कर रही हूँ, बता रही हूँ क्या क्या बनाना है मुझे, तो अभी बता रही हूँ। मैं अभी आज लेके आई हूँ चने के जो आटे होते हैं ना, उसकी मैं सब्जी बना रही हूँ, और वो भी बहुत ही ग्रेवी वाली बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। अगर अपने घर में बनाते हैं तो बेसन की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, बट मैं आज चने के आटे की जो होती है ना, उसकी सब्जी मैं बना रही थी, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं उसको दिखा रही हूँ। देखिए क्या क्या मुझे चाहिए इसमें। यह जो है चने के जो ये आटे मैं ली हूँ, और इसमें कुछ मसाले मैं डालूँगी, जैसे नमक है, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये तीखा के लिए डाली हूँ इसमें, लाल मिर्च पाउडर और जीरा और गुल मिर्च का पाउडर है। अब मैं ये दिखाती हूँ कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये लूँगी चने के जो आटे हैं ना, वो ये कच्चे चने को पिसवा के मैं रखती हूँ। सोची कि आज आप सब्जी बना रही हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये देखिए, आपको जितना बनाना उतना ही लीजिए। और इसमें ये जो मसाले लिए हो ना, ये डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा पानी। अगर आपके पास चने के आटे नहीं है तो चने को आप भिंगो के और फिर उसको मिक्सर में पीस लीजिए, तब इसको बना सकते हैं। मैं ड्राई चने को ही पिसवा के रखी हूँ। देखिए इधर देखिए, ये जो है ना, ये घोल में तैयार कर ले इसको। अब इधर मैं रखती कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले डालूंगी थोड़ा सा सरसों के तेल। उसके बाद इसमें डालूंगी जीरा। और जीरा को अच्छे से इसमें चटकने देंगे। और इधर देखिए घोल कितना ये है ना, इसको पतला ही रखेंगे। देखिए इसको इसमें डाल दूंगी। इसको मिक्स करते हुए थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको अभी पकाना है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा। इसको गाढ़ा होने में टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है अब चने का जो आटा मैं पका रही थी वो अब हो गया है रेडी। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है,
देखिए जब कढ़ाई छोड़ने लगे और हल्के हो जाएंगे, जब ये पक जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं, तो ये अब रेडी है। तो इधर देखिए मैं क्या कर ली, गैस बंद कर रही हूँ और इधर एक प्लेट ली हुई, इसमें पूरा ऑयल लगा के रखी हूँ। अब इसको इसमें निकालूंगे। अब ये देखिए इसको कढ़ाई में से निकाल के अब इधर मैं हाथ के सहारे पूरा प्लेट में फैला दूंगी और इसको अच्छे से ठंडा होने तक ऐसे ही अभी छोड़ दूंगी। उसके बाद दिखा रही हूँ इसको कैसे बनाऊंगी मैं। अभी अभी ये ऐसे ही ठंडा होने तक ये अभी टाइम लगेगा इसको ठंडा होने के लिए, छोड़ दे रही हूँ। फिर दिखाती हूँ कि आगे स्टेप में क्या करना है। वीडियो में बने रहिए आप लोग। इधर देखिए ये अब है ना, ये ठंडा हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। जब ये ठंडा हो जाता है ना तो आसानी से कट जाते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से कट हो गया। ऐसे ही काट लेंगे और काटने के बाद इसको इधर कढ़ाई रख दी हूँ अभी, और इसमें डालूंगी सरसों का तेल। और इसको अब तेल को पहले गर्म होने देंगे। इधर तेल अब गर्म हो गया है। अब ये जो पीस कट करके रखी हूँ इसमें डाल रही हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए बस मुझे इतना ही फ्राई करना है कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो बस ये फ्राई हो गया। अब इधर डाली हूँ फिर दोबारा, और मसाले में मैं क्या क्या डालूँगी पहले देख लीजिए आप लोग। मसाले में मैं ली हूँ हल्दी है, जीरा गोल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला है, थोड़ा सा सरसों पीस के मैं रखी हूँ, ड्राई सरसों है, तीखा के लिए लाल मिर्च और नमक, फ़ोरन में डालूँगी 5 फ़ोरन, तेज़पत्ता। और इधर क्या की हूँ, इधर जा रही हूँ इसका पेस्ट बनाने। ये है प्याज और लहसुन, 3 प्याज ली हूँ और 8-10 लहसुन का कली ली हूँ। इसको पेस्ट बना लूँगी पहले, उसके बाद बता रही हूँ आगे कैसे बनाना। इधर जो है कढ़ाई गर्म ही है तो ज़्यादा मुझे नहीं करना है, मैंने फ्राई करके निकाल ली। अब ये जो फ़ोरन के लिए रखी हूँ इसको डाल रही हूँ। इधर देखिए ये मैं जो पेस्ट बना ली हूँ तो इसको अब मैं डाल रही हूँ। बस इसको 5 मिनट भूनेंगे। अब देखिए अब ये जो मसाले मैं रखी थी ये भी अब डाल दे रही हूँ कि साथ में ये भी बनाते रहे इसमें, और इसको अच्छे से पकाएंगे अभी जब तक मसाले में से तेल सेपरेट ना होने लगे। इसको अभी मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे।
इधर देखिए अभी मसाले जो है ना, देखिए तेल छोड़ने लगे हैं, तो ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है अब मसाले को। और ये रखी हूँ बेसन वाला जो पानी था वो रखी हूँ, उसको भी ऐड करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है और थिकनेस भी बढ़ाता है। और इधर ग्रेवी जितना रखना है उतना पानी डालूँगी। और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे अभी। इधर देखिए ये ग्रेवी अब तैयार है, अब एक एक करके इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है मुझे। अब देखिए अब ये सब्जी मेरी तैयार हो गई और देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है। अब गैस को बंद कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। इधर देखिए अब ये रेडी हो गया है और देखने में ही कितना लाजवाब लग रहा है, तो खाने में भी वाकई बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी बना के खाइए अपने घर में चने के आटे की सब्जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। थैंक यू।